नमस्कार किसान भाइयों, कृषि भाई के खेती समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशि आपके साथ। बड़ी खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उर्वरक विक्रेताओं को ऑनलाइन भुगतान करना अनिवार्य। किसानों के साथ दुर्घटना होने पर 2 लाख तक का मिलेगा मुआवजा। गेंदा गुलाब गुलदाउदी की खेती पर 40,000 तक का अनुदान। महंगे हो सकते हैं ट्रैक्टर, लागू होगा बीएस टर्म 4 उत्सर्जन मानक। और 100% अनुदान पर मिलेंगे पौधे, प्रतिवर्ष होगी 50,000 तक की कमाई। अब खबरें विस्तार से। उर्वरक विक्रेता कई बार अपनी मनमानी करने लगते हैं। किसानों को तय दाम से अधिक में खाद और उर्वरक देते हैं, जिससे खेती की लागत बढ़ जाती है। इस तरह की कालाबाजारी रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ठोस कदम उठा रही है। प्रदेश के गाजियाबाद में सभी उर्वरक केंद्रों और विक्रेताओं को डिजिटल पेमेंट के जरिए किसानों को उर्वरक देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था करना अनिवार्य है। ऐसा ना करने पर दुकानदारों के लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश में विक्रेताओं के पास कीटनाशक दवाएं बेचने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या फिर संस्थान से कृषि विभाग, जैव रसायन, जैव प्रौद्योगिकी की स्नातक डिग्री या डिप्लोमा होना अनिवार्य है। राजस्थान सरकार राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना चला रही है। योजना के तहत किसान के साथ दुर्घटना होने पर मुआवजा दिया जाता है। योजना के तहत घर से खेत या खेत से बाजार जाते समय अगर किसान के अंग भंग हो जाए या मृत्यु हो जाए तो 5,000 से 2 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाती है। इसके तहत एक अंग विकलांग होने पर 25,000, अंग भंग जैसे हड्डी फ्रैक्चर होने पर 50,000, 3 उंगली कटने पर 15,000, 4 उंगली कटने पर 20,000 रुपए और किसान की मौत होने पर परिवार को 2 लाख रुपए मिलेंगे। किसान वेबसाइट rajkisan.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान सरकार किसानों को लूज फ्लावर यानी कि देशी गेंदा, गुलाब, गुलदाउदी, गैलेरिया जैसे फूलों की खेती करने पर 25 से 40% की सब्सिडी देने जा रही है। इन फूलों की खेती के लिए सरकार ने 40,000 प्रति हेक्टेयर लागत तय की है, जिस पर यह अनुदान राशि दी जाएगी। बता दें कि किसानों को अधिकतम 2 हेक्टेयर में फूलों की खेती के लिए अनुदान दिया जाएगा। छोटे और सीमांत किसानों को 40% यानी कि अधिकतम 16,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। बाकी बची हुई श्रेणियों के किसानों को 25% अधिकतम 10,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट horticulture.rajasthan.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। ट्रैक्टर कंपनियां 50 HP से अधिक शक्ति वाले ट्रैक्टरों के लिए संशोधित बीएस टर्म 4 उत्सर्जन मानक लागू करने जा रही है, जिसके बाद 50 HP और इससे अधिक श्रेणी के ट्रैक्टरों की लागत में 10 से 15% की बढ़ोतरी की उम्मीद लगाई जा रही है। बीएस टर्म 4 मानक होने के बाद ट्रैक्टरों में कई बेहतरीन फीचर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें अपग्रेडेड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आदि शामिल किए गए हैं। वहीं बीएस टर्म 4 एमिशन स्टैंडर्ड केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के तहत निर्धारित किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना लागू करने जा रही है। इसके तहत अपनी जमीन पर पौधे लगाने के लिए किसानों को 100% अनुदान दिया जाएगा। इसके तहत किसान निजी भूमि में नीलगिरी, टिश्यू कल्चर, बांस टिश्यू कल्चर, सागौन, मिलिया डूबिया व अन्य आर्थिक लाभकारी प्रजातियों का रोपण कर सकते हैं। इसके तहत किसानों को 5 एकड़ तक भूमि पर अधिकतम 5,000 पौधों का रोपण करने के लिए 100% या 5 एकड़ से अधिक भूमि पर रोपण के लिए 50% अनुदान दिया जाएगा। इच्छुक किसान अपने क्षेत्र के वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय में जाकर रोपण के लिए पौधों की जानकारी सहित सहमति पत्र जमा कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमारे बुलेटिन आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कृषि फाई के साथ। धन्यवाद।